गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मोनोग्राफ्स। एग्ज़ाम में भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं कि राइट द मोनोग्राफ ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग, तो हमें पता ही नहीं होता कि मोनोग्राफ में लिखते क्या है। इसीलिए आज मैं ये वीडियो लाई हूँ कि मोनोग्राफ अगर क्वेश्चन आए तो आप ये पॉइंट ज़रूर लिखें। तो ये 13 पॉइंट्स है जो कि मोनोग्राफ में लिखने चाहिए। मोनोग्राफ हमेशा ऑफिशियल ड्रग का आएगा। ऑफिशियल ड्रग मतलब जो आईपी में है। आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया। आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया। स्पेलिंग ज़रूर ध्यान से देखिए, फार्माकोपिया प्रोनाउंस करते हैं पर लिखने टाइम हम लिखते हैं फार्माकोपोया, पी ओ भी आता है। और सबसे पहला इंडियन फार्माकोपिया जो है वो 1955 में पब्लिश हुआ था। किसने पब्लिश किया था? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने, आईपीसी ने सबसे पहले 1955 में ये इंडियन फार्माकोपिया आया था। और अभी लेटेस्ट में 2018 में आया है और 8th एडिशन है फार्माकोपिया का। एंड ऑल्सो क्वेश्चन आ जाता है कि फार्मेसी के फादर कौन है। फादर ऑफ फार्मेसी तो है, वो है महादेव लाल श्रॉफ। महादेव लाल श्रॉफ जो है वो इंडियन फार्मेसी के फादर है, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। तो ये हुई एक फार्मेसी की नॉलेज। नाउ लेट स्टार्ट विद मोनोग्राफ। मोनोग्राफ के पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मोनोग्राफ में हम टाइटल लिखते हैं। टाइटल का मतलब उस प्रिपरेशन का नाम जो हमें ड्रग दिया गया है। जैसे बोरिक एसिड दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया है, तो सबसे पहले हम उस कंपाउंड का नाम लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर, अपने आंसर शीट के अंदर। देन उसके बाद उसका हम केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे। लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो केमिकल फॉर्मूला आ जाएगा CaOH, ये अगर बोरिक एसिड है तो आ जाएगा H3BO3। तो ये केमिकल फॉर्मूला है ना। उसका मॉलिकुलर वेट, उस कंपाउंड का मॉलिकुलर वेट हमें लिखना होता है कैलकुलेट करके, या हम याद कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर वो जो ड्रग है, ऑफिशियल ड्रग है, जो कंपाउंड है, वो नेचुरल फॉर्म, नेचुरल फॉर्म मतलब नेचर में किस टाइप से मिलता है, उसका मिनरल क्या है, उसका सोर्स क्या है, वो हमें लिखना है। जैसे कि बोरिक एसिड जो है वो नेचर में मिनरल सेसोलाइट के नाम से पाई जाती है। देन उसका लिमिट टेस्ट लिखते हैं। लिमिट टेस्ट के अंदर आता है कि वो कंपाउंड कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। लाइक बोरिक एसिड है तो बोरिक एसिड 99% होता है H3BO3 बोरिक एसिड कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट, और जो 1% है वो इम्प्योरिटी हो सकती है या अदर कंपाउंड्स हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं लिमिट टेस्ट। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन लेबोरेटरी प्रिपरेशन भी आ सकती है, कमर्शियल प्रिपरेशन। लेबोरेटरीज के अंदर जो परफॉर्म जो हम प्रिपेयर करेंगे उसको लेबोरेटरी प्रिपरेशन, और कमर्शियल मतलब जो कमर्शियल लेवल पर हम घर पर छोटे छोटे दुकानों में जो उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं उसको कमर्शियल प्रिपरेशन कहते हैं। प्रिपरेशन के अंदर दोनों चीज़ें आ सकती है कि हम उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं केमिकल से। फोर्थ पॉइंट आता है, सिक्स पॉइंट आता है फिजिकल कैरेक्टर। फिजिकल कैरेक्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ होती है। उसका कलर, कंपाउंड का कलर क्या होता है, उसका टेस्ट, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, किससे रिएक्ट करता है, वॉलेटाइल है या ग्रीसी है या अंक्टुअस है, छूने में कैसा है, एंड लाइक एंड और भी बहुत सारे होते हैं प्रॉपर्टीज़, वो हम आगे पढ़ेंगे, हर मोनोग्राफ में पढ़ेंगे। सेवन पॉइंट है इसका स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर दो चीज़ें आती है, कंटेनर के बारे में और टेम्परेचर, कि कितने टेम्परेचर में हम उसे स्टोर करें। नॉर्मल रूम टेम्परेचर होना चाहिए या कूल टेम्परेचर होना चाहिए या हॉट टेम्परेचर होना चाहिए। नेक्स्ट इज कंटेनर। कंटेनर मतलब एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए या लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, जिसको अम्बर कलर बॉटल भी बोलते हैं, जो कि ब्राउनिश कलर का होता है, जो लाइट से उस प्रिपरेशन को प्रोटेक्ट करके रखता है। अगर कोई कोई कंपाउंड्स होते हैं वो लाइट सेंसिटिव कंपाउंड्स होते हैं। लाइट सेंसिटिव का मतलब लाइट अगर पड़ेगी तो वो ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, उनका कलर, टेक्सचर, स्मेल सब कुछ बदल सकता है, तो उन्हें प्रिजर्व करके रखना पड़ता है लाइट से। तो कंटेनर में ये आ जाते हैं। एट पॉइंट इज केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब वो जो कंपाउंड है वो किस किस से रिएक्ट करके फिर कुछ
अलग हमारा कंपाउंड देगा, उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती है। टेस्ट फॉर प्योरिटी के अंदर हम प्योरिटी चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या और इम्प्योरिटीज़ हमें मिल सकती है। बहुत कॉमन इम्प्योरिटीज़ होती है आर्सेनिक, आयरन, लेड, मेटल आयन, ये सब हर मोनोग्राफ में हम देखते हैं, तो बहुत ईजी होता है इनको लिखना। ये चार तो हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे। 10 है टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो ही कंपाउंड है कि नहीं। आइडेंटिफिकेशन में पर्टिकुलर कंपाउंड हमें कुछ फ्लेम दे सकता है या कुछ कलर दे सकता है या स्मेल दे सकता है, उससे हम पता लगा सकते हैं। जैसे डाइऑक्साइड या रॉटन एग लाइक स्मेल देते तो हमें पता चल जाता है, वैसे ही। नाउ कम्स टू इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि कभी भी हम उस कम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि वो जो कंपाउंड है वो उस सब्सटेंस के साथ इनकम्पैटिबल है। कभी भी हम उन दोनों सब्सटेंस को रिएक्ट नहीं करवाना चाहिए, नहीं तो कुछ एक्सपल्जन जैसा रिएक्शन मिल सकता है। इनकम्पैटिबिलिटी में वो आते हैं, वो कंपाउंड्स आते हैं। नाउ कम्स टू एसे। एसे में हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एसेज परफॉर्म करते हैं। 13 इज यूजेस, उसका यूज़ क्या है ये सब आता है। थेराप्यूटिक यूज़ भी आते हैं एंड कमर्शियल यूजेस भी आते हैं एंड फार्मास्यूटिकल यूजेस भी आते हैं, ये सब इसके पॉइंट्स हैं। तो 13 पॉइंट्स हैं जिनको ज़रूर याद रखना चाहिए, जिनको ज़रूर लिखना चाहिए, और हम हर मोनोग्राफ में ये 13 पॉइंट तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो ये ख़त्म हुआ। ऑल दी बेस्ट।